विदिशा जिले के पठारी में कल रात तूफानी बारिश और हवा के साथ बिजली गिरने से सारंगा मोहल्ला निवासी राजा खान ड्रावर की पत्नी अकीला भी बिजली से झुलस गई है। आसपास के लोगों ने तुरंत अपने घर पर पहुंचकर अकीला को देखा तो तुरंत उठाकर तिरंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। उसके पति बस ड्राइवर हैं, उस समय वह घर से बाहर थे। फोन पर सूचना मिलते ही वह घर आए। अकीला ने बताया कि वो किचन में काम कर रही थी, अचानक भारी बारिश और हवा के साथ बिजली गिरी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे पूरे तरीके से मैं जल चुकी हूँ। उन्होंने बताया कि मकान की छत दीवारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार आर के मेहरा, सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश चिंटू मौके पर पहुंचे। उनका हालचाल जानना और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पूरा प्रयास करने का आश्वासन भी दिया है। पठारी विदिशा से आशीष सैले की रिपोर्ट। वहाँ से आए तो वहाँ के देखा तो जब फोन पहुंचा तो वहाँ की जहाँ देखा तो उनको तेवंदा हॉस्पिटल ले गए। बिजली गिर गई थी, डोरी मोरी जल गई, छत क्रेक हो गई, तो दीवारें क्रेक हो गई। क्या क्या नुकसान हुआ? टीवी जल गई, कूलर, फ्रिज, पंखे जल गए। कोई अधिकारी आया आपके पास? हाँ, आए थे तहसीलदार साहब, आए थे सरपंच आए। क्या कहा? बुकेगा कि जो भी हमसे मदद बनेगी करवाएंगी पूरी। किचन में गए, हम खाना पका रहे थे, भिंडी काट रहे थे, एकदम से खूब तेज आवाज आई और अंधेरा हुआ। वहाँ से हम उठे, देखा तो हम जल गए, चक्कर आ रहे, सीने में दर्द हो रही है, सीने में जल गए, पेट पे जल गए, बिजली गिरी तो दीवारों में सुराख हो गए। और हमें मालूम नहीं था कि बिजली गिर गई। हम अस्पताल चले गए तो हमने बोला दूध फेंक गया, कहीं बोल दिया हमने पत्ती, तो हमें लगी बिजली, हमारी दीवार में सुराख हो गए, टीवी जल गई, फ्रिज जल गया, पंखी जल गई और हमें तकलीफ हुई, हमें जल गए। तो आप कहाँ गई थी इलाज करवाने? तेवंदा थाने में गए थे। हाँ हाँ, वहाँ हमने इलाज करवाया था, हमें अभी भी आराम नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पेट फूल लिया है। तो अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आए? यहाँ पे कोई नहीं आते, तहसीलदार साहब आए थे, सरपंच आया था, सरपंच भी आए थे। क्या कहा उनने? उनने हमसे कुछ नहीं बोला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।